आज रेडियो खांची 90.4 एफएम पे आप सुनेंगे रेडियो खांची के डायरेक्टर डॉक्टर बिपिन सिन्हा को उनकी दूसरी कहानी के साथ, जो साहित्यिक जगत में विनोद कुमार के नाम से मशहूर हैं। मेरी दूसरी कहानी, टूटती हुई जिंदगी। जानता था बेमतलब है मेरा वहां जाना, पर आखिर रीना की जिद जो ठहरी। रीना के जिद के खातिर ही मैं वहां इंटरव्यू देने गया। रीना को कैसे समझाऊं कि सभी को मन पसंद ऊंचे ओहदे वाली नौकरी तो नहीं मिल जाती, छोटी मोटी नौकरी सही सही जिंदगी तो आखिर गुजर ही जाती है। मगर रीना को कौन समझाए, उसे मेरी प्रतिभा पर जितना विश्वास है शायद उतना विश्वास मुझे भी अपने ऊपर नहीं है। रीना चाहती है मैं खूब आगे बढ़ूं, सोसाइटी में मेरी खूब इज्जत हो, रुपए हो और एक शानदार जिंदगी जी जाए। मगर क्या सारा कुछ सिर्फ चाहने से हो जाता है? मैंने भी तो इस जिंदगी से बहुत कुछ चाहा था, पर मिला क्या? बड़ी मुश्किल से एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की मुलाजमत, रहने के लिए बदबू और सीलन से भरा एक अंधेरा कमरा। मानता हूं रीना ने स्थितियों से समझौते किए हैं, पर आखिर इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। अपनी इस उबड़ खाबड़ और टूटती बिखरती जिंदगी में रीना के साथ साथ होने के एहसास ने मुझ में बराबर उत्साह भरा है और जीने की ललक पैदा की है। हालांकि कभी कभी मैंने शिद्दत से अनुभव किया है कि यह आधार या तो नकली है या झूठा। रीना जो कुछ भी मुझसे चाहती रही हो या उसकी जो भी अपेक्षाएं रही हो, शुरू शुरू में दबा ढका रहा, मगर जब से कुशाग्र पैदा हुआ है उसकी चाहत खुलकर सामने आ गई है। घर की जरूरतें बढ़ गई हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हजार लथाड़ सहकर भी मैं कामयाब नहीं हो सका हूं। मेरे अंदर का स्वाभिमान भी मुझे सिद्धांतों और आदर्शों के गले घोटने नहीं देता, और परिणाम यही हुआ कि मैं खुद टुकड़ा टुकड़ा टूटता चला गया हूं। पहले भी मैं कैसा मूर्ख था, जब नई नई शादी हुई थी तो रीना को लेकर कितना भावुक हो गया था। रीना की मादकता मेरे अंग अंग को उत्तेजित कर देती, लगता था यही सच है। जब थक हार कर शाम को घर लौटता तो उसके स्पर्श मात्र से तमाम अपमान और घुटन भूल जाता, मगर धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा। यह सारा कुछ मेरे खुद की बनाई घेराबंदी के सिवा कुछ भी नहीं था। जिन आत्मीय क्षणों को मैंने पूर्ण सुख माना था, दरअसल वे क्षण अर्ध सुख थे। मैं वक्त के कितना पीछे छूट गया हूं, या शायद वक्त ही मुझसे आगे निकल गया हो, दोनों में कोई भी बात हो सकती है। बहरहाल मैंने इंटरव्यू दिया और अप्रत्याशित कुछ भी नहीं हुआ। उस ऊंचे ओहदे वाली नौकरी के लिए मिनिस्टर के किसी आदमी की सिफारिश हो गई थी। चलो अब राहत की सांस तो ले सकता हूं, रीना को बता तो सकता हूं कि उसकी खातिर मैं वहां गया, इंटरव्यू दिया, सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, मगर और फिर इस मगर के बाद क्या कहूंगा, शायद कुछ भी नहीं, और रोज की वही बासी दिनचर्या में लग जाऊंगा। हो सकता है थक कर रीना भी मेरी तथाकथित प्रतिभा पर विराम चिन्ह लगा दे, मगर शायद ऐसा वक्त फिर भी नहीं करेगी। वह बहुत जिद्दी है, वह चाहेगी मैं लगातार कोशिश करता रहूं, मगर उसे कैसे समझाऊं आज के जमाने में सिर्फ कोशिश करते रहने से कुछ भी नहीं होता। कोशिश तो जाने कितनों की लगातार चल रही होती है, मगर कामयाबी कितनों को मिलती है? दरअसल आगे बढ़ने के लिए जो अतिरिक्त पांव चाहिए वो मेरे पास नहीं। अतिरिक्त पांव गाने के लिए जिस जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है उसमें मैं बिल्कुल फिसड्डी हूं। आधा रास्ता तय करने के बाद ही हांफने लगता हूं। फासला बहुत दूर हो जाता है और मैं हताश किसी अंधे कुएं में हाथ पांव मारता चीखता चिल्लाता रहता हूं। इंटरव्यू देने के लिए मैं जिस दूसरे शहर में गया था वहां मेरा एक पुराना दोस्त रहता है। दो दिनों तक उसने मेरा खूब स्वागत किया। वो एक बैंक में मैनेजर है। हालांकि उसके सामने अपने को काफी छोटा अनुभव करने लगा था, मगर उसने अपने व्यवहार से मुझे बहुत स्वाभाविक बना दिया था। लौटते वक्त जब मैं स्टेशन पहुंचा था तो उसने मेरे हाथ पर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट रख दिया था। मुझे बुरा लगा था, मैंने मना करना चाहा था, मगर पता नहीं क्यों मेरी आवाज गले में टक्कर रह गई थी। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि ट्रेन का टिकट तक नहीं कटा सकता? यानी मेरा दोस्त भी मुझे चढ़ा रहा है कि देख लो बच्चू, पिछली बेंच पर बैठने वाला सड़ियल दिमाग का लड़का तेरे काम आया, क्योंकि वह बहुत सारी सीढ़ियां तुमसे ऊपर है। लगता है मेरे दोस्त ने
मेरे बदन पर पच से थूक दिया हो, जिसकी चपचपाहट पूरे जिस्म पर अभी महसूस कर रहा हूं। खैर, अब तो मुझे रीना का भी सामना करना होगा, मगर यह डर या भय मेरे अंदर भर गया है। मैं क्यों इतना कमजोर अनुभव कर रहा हूं? क्यों स्थितियों में इतना बदलाव आ गया है? रीना के पास होने से मेरे अंदर साहस भर जाता था, मगर आज मैं क्यों उसके सामने भयक्रांत हो गया हूं? एक गिल्ट सा क्यों मेरे अंदर भर गया है? मुझे अपने आप को बदलना होगा, सहज होना होगा, मगर क्या अब यह संभव है? मैं कमरे में चला आया हूं। कुशाग्र खुशी से चीख कर मेरी बाहों में झूल जाता है। मैंने कुशाग्र को चूम लिया है। कुशाग्र विग्रता से पूछता है, मेरे लिए क्या लाए पापा? मैं नजरें घुमाकर बोलता हूं, क्या कहा था तूने लाने को? बैटरी से चलने वाली मोटर और क्रिकेट बैट। ओह, मैं तो भूल ही गया था, खैर ला दूंगा फिर कभी। कुशाग्र रोता हुआ कमरे की दीवार के पास खड़ा हो गया है। रीना उसे चुप कराती है और अपने साथ बिस्तर में सुला लेती है। कुशाग्र फिर धीरे धीरे सुबकता रहता है, तकिए में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करता हुआ। रीना चुपचाप मेरे पास बैठ जाती है। मैं कमरे की फर्श पर एक कतार में चल रही चींटियों को देखता रहता हूँ। मेरे पास कोई संवाद नहीं है, या शायद मैं ये नहीं जानता बात कहाँ से आरंभ करूं। गहरी नजरों से मुझे देखते हुए रीना ने पूछा है, कैसा हुआ इंटरव्यू? बहुत अच्छा, चाय बनाओ। नहीं, स्टेशन पर पी ली थी। कुछ पता चला? किस चीज का? रीना गुस्से से देखती है, फिर संयत होकर कहती है, इंटरव्यू का। मैंने फिर नजरें चुरा ली है। हाँ वहां किसी और का, मैं तीसरे नंबर पर रहा, जगह एक ही थी, फिर भी पैनल में मेरा नाम 6 महीने तक रहेगा। रीना चीखती है, क्या? हाँ रीना, मैं कामयाब नहीं हो सका। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब जैसे मैं रो पड़ूंगा, सहम सहम कर कहना शुरू किया है। आखिर ऐसा चलने से क्या मतलब? चलाना ही पड़ेगा, आधी जिंदगी तो गुजर ही गई है, बाकी आधी भी गुजर जाएगी। ये भी कोई जिंदगी है? आखिर और लोग भी तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, जीते होंगे, मगर इन हालातों में कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जी सकती। रीना, सपने देखना छोड़ दो, समझौते कर लो, सुखी रहोगी। सपने देखे ही कब थे? एक बात कहूं? बोलो, तुम मिन्नी से क्यों नहीं मिलते? मिन्नी? कौन मिन्नी? अरे अपनी साली को भूल गए? अच्छा मिन्नी तुम्हारी बहन, क्यों उससे मिलकर क्या होगा? उसका पति डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस है, काफी लोगों से जान पहचान है, तुम्हारे लिए कोई सिफारिश वगैरह? बहुत देर का थमा आक्रोश उभर आता है, मेरी नसें तन जाती हैं। मैं जोर जोर से बोलना शुरू करता हूँ, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाना चाहती हो? बार बार यह एहसास क्यों कराती हो कि मैं बहुत छोटा हूँ? चाहती हो कि मैं मिन्नी के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा रहूँ, कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहूँ? इसमें गुस्सा होने और चीखने की कौन सी बात है? सभी अपनों से मदद लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लेनी अपनों से मदद। इतनी ईगो भी अच्छी नहीं। ये ईगो नहीं रीना, मेरा स्वाभिमान है, मेरी ताकत है। तुमने तो मेरे साथ इसी गुर्बत में जीने मरने की कस्में खाई थी, अब तुम भी बाहर की रोशनी से चकाचौंध होने लगी। भावुकता में बातें मत करो, हमें और पैसे चाहिए। कभी तुमने अपनी ओर, मेरी ओर, कुशाग्र की ओर गौर से देखा है? हम अचानक जवान से बूढ़े हो गए हैं और हमारी जरूरतें पड़ गई हैं। कुशाग्र को अंग्रेजी स्कूल में डालना भी तो है। हमें नहीं डालना कुशाग्र को अंग्रेजी स्कूल में। और जहां तक हमारे बूढ़े होने की बात है, हम जवान ही कब हुए? थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों का मात्र आभास था, हम तो अचानक बच्चे से बूढ़े हो गए हैं। सोचो रीना, यही हमारी नीति है, हमें इन्हीं स्थितियों में जीना है। तुम एक हारे हुए आदमी हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरों से ईर्ष्या कर सकते हो, जो तुमसे बेहतर है उन्हें गालियां बक सकते हो, मगर आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं ले सकते, क्योंकि यह तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, तुम्हारी हीन भावना है। गुस्से से मेरा बदन कांपने लगा है। अचानक कहां से बहुत सारा साहस बटोर लिया है मैंने। तीखी निगाहों से उसकी तरफ देखा है और कहना शुरू कर दिया है, तुम्हें पैसा चाहिए रीना, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए ना? तुम्हारी उम्र बढ़ गई तो क्या हुआ? तुम अभी भी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में अभी भी नशा है। इस बदबूदार गली से बहुत सारे अमीर आवारा गुजरते हैं, उनसे दोस्ती कर लो रीना, उनसे दोस्ती कर लो। मैं जोर जोर से हंसने लगा हूं, मेरी हंसी से दीवारें तक कांप गई हैं। रीना स्तब्ध सी खड़ी है चुपचाप, शायद अब उसने सुबकना भी शुरू कर दिया है। मैं खामोश हो गया हूं। दूर से लोहार की दुकान पर हथौड़े चलने की आवाज आती रहती है। कमरे में चींटियां अभी भी एक कतार में चल रही होती हैं।
कमरे की दीवार पर पता नहीं कब से छिपकली रेंग रही होती है। अचानक रोशनी गुल हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा बिखर जाता है, मौत का सन्नाटा छा जाता है। मैं इस अंधकार के कालेपन में अपना चेहरा तलाशने लगता हूं।